हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है क्या? हमारा जनरल परसेप्शन कहता है कि ओ ये एक टफ सब्जेक्ट है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पैसे, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, डिविडेंड की ही बातें चलती हैं। आपके डाउट क्लियर करने से पहले मैं एक फेमस कोट बताना चाहूँगा। ये है मिस्टर लियोनेल रॉबिन्स, फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। इन्होंने इकोनॉमिक्स को साइंस ऑफ स्कैर्सिटी कहा। इनके कोर्ट में काफी दम है। यहाँ स्कैर्सिटी पर काफी एम्फेसिस, दबाव दिया गया है। स्कैर्सिटी से मतलब यह है कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, चाहे वो नेचुरल हो या ह्यूमन। जैसे पेट्रोल और डीजल, ये आज नहीं तो कल खत्म होंगे, इसलिए इनके सस्टेनेबल यूज पर काफी बल दिया जाता है। सस्टेनेबल यूज से मतलब है कि इन रिसोर्सेज जैसे पेट्रोल और डीजल का इस तरह से उपयोग करें और उन्हें वेस्ट नहीं करें जिससे कि वो आपके जनरेशन के लिए तो अवेलेबल हो ही हो, आपके सन, पोते पोतियों और उनके पोते पोतियों के लिए भी अवेलेबल हो। अब आइए इकोनॉमिक्स की जनरल डेफिनेशन भी देख लेते हैं। यहां हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स मात्र तीन चीजों की स्टडी पर बल देता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन पर। इकोनॉमिक्स इन तीन चीजों की स्टडी पर इसलिए बल देता है कि कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हो, ये किसी भी इकोनॉमी के लिए रिसोर्स है। इनके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के पैटर्न की स्टडी करके प्लानिंग की जा सकती है कि उन रिसोर्सेज का उपयोग किस तरह हो। अब एक और इंटरेस्टिंग कोट देखते हैं, लॉरेंस जे पीटर की, एन इकोनॉमिस्ट इज एन एक्सपर्ट हु विल नो टुमारो Why the things he predicted yesterday didn't happen today। काफी काफी ही इंटरेस्टिंग कोट है इनकी। इसलिए अगर आपको आपका भविष्य जानना है वो कैसा होगा, इस सब्जेक्ट को काफी सीरियसली लो। शेयर मार्केट क्रैश होगा कि नहीं होगा, जीडीपी दर भारत की बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, लोगों ने क्यों मोदी जी को वोट दिया, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स क्या है, ऐसे हजारों हजारों सवाल हैं जिसका आंसर हमें इस डिसिप्लिन इकोनॉमिक्स में मिलता है। और हाँ, एग्जाम भी तो क्रैक करनी है।